पाकिस्तान, इस पे जान भी कुर्बान है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। मीरपुर में आने वाले इस जलसे में नौजवान, बच्चे और खास तौर पे ख्वातीन, मैं आप सबको इतनी गर्मी में यहां खड़े होने की खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं नौजवानों, थोड़ी सी आपको तारीख बताना चाहता हूं। जब 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने फैसला किया कि कश्मीरियों की स्टेटहुड लेने का, जब उन्होंने यह फैसला किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या इनको कोई फिक्र नहीं थी कि पाकिस्तान क्या करेगा। और मुझे तब ये मेरे जेहन में आया कि ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तो चुप करके जिस तरह पहले था, जब कश्मीर में पैलेट गन्स इस्तेमाल करके नौजवानों को अंधा किया जाता था, जब उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता था नौजवानों को, तो कोई भी बोलता नहीं था पाकिस्तान से। बल्कि एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। जब वो हिंदुस्तान गया नवाज शरीफ, तो हुर्रियत के लीडर से इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। तो नरेंद्र मोदी गलतफहमी में था, वो समझ रहा था कि अभी भी जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान चुप करके हिंदुस्तान से डर के कुछ बोलता नहीं था, तो इस तरह भी 5 अगस्त को चुप करके पाकिस्तान हजम कर जाएगा। लेकिन मेरे मीरपुर के शहरियों, उसको गलतफहमी इसलिए हो गई, वो ये समझ रहा था कि जो भी पाकिस्तान का लीडर आएगा वो पहले अपनी कुर्सी का सोचेगा, अपनी जायदाद का सोचेगा, अपनी बिजनेस का सोचेगा, अपने बैंक बैलेंसेस का सोचेगा जो मुल्क से बाहर पड़े हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचेगा, इसलिए वो चुप करके बैठ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक आजाद इंसान हूं, और नौजवानों, ला इला इल्लल्लाह एक इंसान को आजाद कर देता है। जब आप कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, इंसान की जंजीरें टूट जाती हैं, आजाद हो जाता है, हर खौफ से आजाद हो जाता है। उसको ना किसी का खौफ होता है, ना वो समझता है कि कोई उसको जलील कर सकता है। जिंदगी मौत वो जानता है अल्लाह के हाथ में है, और रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है, इसलिए वो आजाद इंसान होता है। और आजाद इंसान कभी किसी की गुलामी नहीं करता। मैंने, और मुझे इस चीज का फख्र है कि कश्मीर का जो मैंने केस सारी दुनिया में उठाया, 50 साल के बाद
कश्मीर का नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कश्मीर का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे कोई वोट चाहिए थी, कश्मीर का इसलिए नाम लिया कि मैं बचपन से समझता था कि कश्मीर के लोगों में जो जज्बा और जुनून, जिस तरह वो अपनी मुसलसल जद्दोजहद में रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। कत्लेआम हुई कश्मीर में, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं माने। बचपन से मैंने फैसला किया था कि अल्लाह जब भी तूने मुझे मौका दिया, मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। और मैंने, मेरे नौजवानों, मैंने हर फोरम पे लड़ा, मैंने मीडिया पे लड़ा, बड़ी बड़ी बाहर की चैनल CNN, BBC, उनके थिंक टैंक्स में, अमेरिका में जाके, एशिया सोसाइटी, मैंने हर जगह पे जाके कश्मीर की आवाज बुलंद की और दुनिया को बताया कि ये जो RSS, हिंदुस्तान में जो RSS की गवर्नमेंट है, ये नस्ल पसंद लोग, हिंदू सुप्रीमिस्ट, ये बाकी हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को बराबर के शहरी नहीं मानते, ये हिटलर ने जो जर्मनी में जो नाजीज ने उनका जो नजरिया था कि जर्मन रेस सिर्फ जर्मन रेस ऊपर है और सुपीरियर है, बाकी सब इंसान नीचे है, ये उस नजरिए को लेके चले थे RSS। और RSS ने सिर्फ मुसलमानों पे, हिंदुस्तान पे जुल्म नहीं कर रहे, उनके जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, सिखों की जो कत्लेआम हुई थी हिंदुस्तान में, और उनकी जो लोअर कास्ट है, दालित हैं, ये किसी को भी बराबर के शहरी नहीं समझते। और इस नजरिए की वजह से नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पे 5 अगस्त का जो कदम उठाया, क्योंकि वो समझते हैं कश्मीरी बराबर के इंसान नहीं है, वो कश्मीरियों को बराबर के शहरी नहीं समझते, वो समझते हैं कि कश्मीरियों को जब ये डंडा दिखाएंगे, जब जुल्म करेंगे, ये घुटने टेक देंगे। तो आज हम अपने मकबूजा कश्मीर के दलेर नौजवान, मैं आज इधर से आपको सलाम पेश करता हूं। दुनिया में नहीं कोई समझता था कि 8 लाख फौज, इन्होंने 90 लाख कश्मीरियों पर लाके बैठा दी, कोई और दुनिया में कोई और इंसान होते उन्होंने घुटने टेक देने थे, लेकिन कश्मीरी एक दलेर कौम, एक अल्लाह में मानने वाली कौम, एक ला इला इल्लल्लाह के मानने वाली कौम, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के लोगों, मैं आज आपको पैगाम दे रहा हूं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान में हम सबको, हम सबका सर फखर से बुलंद नहीं किया, और भी दुनिया में जो जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, जो फलस्तीनी है, जो इसराइली उन पर जुल्म कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको सलाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हमारा अल्लाह में ईमान है। अल्लाह कहता है कि कुरान में कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। अल्लाह का वादा है,
ईमान वाले लोगों के लिए कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। यह खुशखबरी है कश्मीरियों, आपके लिए, आपके सब्र के लिए। जिस तरह का आपने सब्र दिखाया, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो करना था आपसे कर लिया। अब सारी दुनिया देख रही है, ये जो कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, बाहर से लोगों को आके कश्मीर में बसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आज हिंदुस्तान को कहता हूं कि आप नाकाम हो जाएंगे। दुनिया देख रही है, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक ये वॉर क्राइम है। एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर डेमोग्राफी बदलना, यानी पॉपुलेशन की आपने अगर बाहर से हिंदू लाके बसाए और उसको बदलना है, ये जिनीवा कन्वेंशन में वॉर क्राइम है। और इंशाल्लाह हर फोरम पर पाकिस्तान ये इसको उठाएगा। और अब मीरपुर के लोगों, 25 जुलाई को मैं सिर्फ फिर से आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मैं जिस जलसे में जाता हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं, जो भी वोट डालने जाए 25 जुलाई को, वो एक सवाल पूछे वोटर से कि क्या जिस पार्टी के लिए आप वोट डाल रहे हैं उसका जो सरबरा है, क्या वो सादिक और अमीन है या वो चोर है? ये आपने इसलिए पूछना है कि जितना मर्जी ईमानदार कैंडिडेट भी हो, जितना मर्जी ईमानदार कैंडिडेट हो, जिस भी जमात में हो, लेकिन अगर उस जमात का सरबरा दो नंबर हो, करप्ट हो, मनी लॉन्डरर हो, चोरी करके मुल्क का पैसा लंदन में ले गया हो, बड़े बड़े महलों में रहता हो चोरी के पैसे पे, जितना मर्जी ईमानदार वो कैंडिडेट हो, वो पार्टी होगी करप्ट, वो होगी दो नंबर, क्योंकि जो सरबरा होता है वो होता है पार्टी के अंदर। और अगर तरीके इंसाफ का कोई कैंडिडेट आप समझते हैं कि दो नंबर है, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ में भी हमने किसी दो नंबर को टिकट दे दिया हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि कभी भी जो भी नीचे आ गया, अगर मैं खुद चोरी नहीं कर रहा और पैसे नहीं बना रहा, तो मैं उसको कैसे पैसे बनाने दूंगा? मैं उसको चोरी कैसे करने दूंगा? वो तो तब, अगर मैं खुद चोरी कर रहा हूं तो मैं फिर आंखें बंद कर लेता हूं, नीचे भी सारे खाए, मैं भी खाता हूं, बल्कि चोट तो नहीं लगी किसी को वहां, नहीं लगी, माशाल्लाह कश्मीरी जान है, तकड़े हैं लोग। अच्छा, तो वो ऐसे है कि ये जो दो बड़ी पार्टी 30 साल से इस मुल्क को नोच रही थी, इनके जो लीडर हैं ये करते क्या है? क्योंकि ये खुद पैसा बना रहे होते हैं, ये दूसरों को भी जो इनके नीचे हैं, पंजाबी का लफ्ज है कि उनको भी काना कर देते हैं, उनको भी बनाने देते हैं पैसा, ताकि हमाम में सभी नंगे हों, ताकि कोई इनको कह कुछ ना सके। तो नौजवानों, आपने तबलीग करनी है 25 को, वोट देखिए, वोट से आप अपने मुल्क का, अपनी कौम का आप मुस्तकबिल बदल सकते हैं। वोट कभी ना सोचें कि मेरी दोस्ती है, मेरा खानदान है, मेरी बरादरी है, मेरा कबीला है, इस तरह कभी ना सोचा करें। हमारा मुल्क कभी अजीम मुल्क नहीं बनेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके, मुख्तलिफ कबीले थे, आपस में लड़ते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक बड़े नजरिए पे सबको इकट्ठा कर दिया। सारे कबीले वालों की आपस की लड़ाई कैसे खत्म की, एक बड़ा नजरिया दिया, एक बड़ा नजरिया दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वही अरब थे जिनको पूछता कोई नहीं था, उन्होंने दुनिया की इमामत की, दुनिया की अजीम तरीन सिविलाइजेशन बन गई। कई सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए। लेकिन पहले उनको इकट्ठा किया, उनके इख्तलाफात खत्म किए, बड़ी सोच दी, बड़ी ख्वाब दी, बड़ा नजरिया दिया। तो 25 तारीख को इससे बालातर रोजाना दोस्तियों से, खानदान से, रिश्तेदारियों से नजरिया बड़ा है। सिर्फ एक चीज देखना कि क्या जिसके लिए आप वोट डालने जा रहे हैं उसका लीडर सादिक और अमीन है या नहीं है। करप्ट लीडरों को आप वोट देंगे तो दुनिया में चले जाए। आखिरी बात करने लगा हूं, ये अजमाल है। अच्छा ख्वातीन, वैसे मैं आपको दाद देता हूं, इस गर्मी में आप आई हैं, खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। अपने मोबाइल फोन से सुन लें आखिरी बात, अपने मोबाइल फोन से आप ये देखें कि कौन सी दुनिया में खुशहाल मुल्क है और कौन से वो मुल्क है जिनों में सबसे ज्यादा गुर्बत है। वसाइल की वजह से ना वो मुल्क आपको खुशहाल मिलेगा और ना गरीब मिलेगा। वसाइल की वजह से लोग ना अमीर होते ना गरीब नहीं होते। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, इंसाफ होता है, जिसके सरबरा कानून के नीचे होते हैं, आप अपने मोबाइल फोन में देख लें वो सारे मुल्क खुशहाल हैं। और दूसरी तरफ जिन मुल्कों में जितने मर्दी वसायल हो उसके बावजूद जिनके लीडर, जिनके प्राइम मिनिस्टर, जिनके प्रेसिडेंट वो भी करप्ट, वो करप्ट हो, मुल्क से पैसा बाहर भेजे, बड़े बड़े महलात हो बाहर, कानून से ऊपर हो, बेचारा गरीब आदमी जेल में और बड़े बड़े डाकू एनआरओ लेके बाहर फिरे, वो सारे मुल्क गरीब होते हैं, उन सारे मुल्कों में गुर्बत होती है। ये है जंग पाकिस्तान की, ये है जंग कश्मीर की, ये जंग ये है कि हमने ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे लेके आना है, हमने कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, हमने आम आदमी को जुल्म से रिहा करना है। ताकतवर जालिम जो जालिम है, जुल्म का निजाम खत्म करना है। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। तो इसलिए 25 को जरूर पूछना, जरूर पूछना कि ये जो बाहर बैठे हुए हैं अगर इनको डर नहीं है, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मुल्क में तो आजाद अदालतें हैं, क्यों बाहर भागे हुए हो? इस मुल्क की अदालतें आज आजाद हैं, आज कोई डिक्टेशन नहीं लेती किसी गवर्नमेंट से। इनके ज्यादातर लोग तो इनकी अपनी हुकूमत में बाहर भाग गए थे। ये जो इसहाक डार और ये जो नवाज शरीफ के बेटे, ये तो पहले बार भाग गए थे, डर लग गया था कि इमरान खान आ रहा है, एनआरओ नहीं मिलेगा, पहली बार भाग गए। तो इनसे पूछे कि आप आज मुल्क से बाहर क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं आके अदालतों के खड़े होते, क्यों नहीं आए अदालतों में आके अपनी सफाई पेश करते। मेरे ऊपर जब इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की, मुझे सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, मैं तो मुल्क से बाहर नहीं भागा,
मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 8 महीने एक एक चीज का जवाब दिया। जो इन्होंने मेरे से सबूत मांगे एक एक सबूत दिया मैंने। हालांकि मैं तो एक खिलाड़ी था, उसके बावजूद मैंने अदालत में सारे जवाब दिए। मैं बाहर इसलिए नहीं भागा क्योंकि मैंने चोरी नहीं की थी। ये बाहर इसलिए भागे हुए हैं कि 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे। तो नौजवानों, मेरे मीरपुर और कश्मीर के लोगों, 25 तारीख को हमने फैसला करना है कि इंशाल्लाह बल्ले को वोट लाके लगा के एक नया कश्मीर खड़ा करना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।